जानते ही हैं कि आशुतोष राणा एंड रवीना टंडन नजर आने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर आरण्यक लेके। नाउ जितना टंग ट्विस्टर है ये नाम, उतनी ही टंग ट्विस्टर वाली गेम हमने उनके साथ खेली। जी हाँ, डायलॉग क्विज खेला हमने रवीना और आशुतोष के साथ, और उसके बाद क्या कमाल हुआ देखिए ना। पूरी जिंदगी इंतजार किया एक बड़े केस का, और वो बड़ा केस आता भी कब है, जब मैं कुर्सी से हट जाती हूँ। कल चंद्र ग्रहण की रात थी, मेरी मोहब्बत एक चुटकी भर सिंदूर की मोहताज नहीं। ये मेरी फिल्म का डायलॉग है। दीपिका के पहले पहले मैंने बोला था ये। किसी इंसान का कद जानना हो तो पता लगाओ कि उसके दुश्मन कौन है। पता नहीं, वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। ये मैंने कभी लाइफ में सुने ही नहीं है डायलॉग। आंधी जब चलती है ना तो हाथ छोड़ने का नहीं, हाथ थामने का वक्त होता है। इनका ये मुझे लगा ये कहीं मेरा डायलॉग तो नहीं, मुझे खुद मेरे डायलॉग्स याद नहीं। आरण्यक, ये नाम जितना ही यूनिक है इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है, जिसके कुछ राज आज हमारे साथ खोलने आए हैं रवीना टंडन, आशुतोष राणा और डायरेक्टर विनय वाकुल। थैंक यू, वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। सबसे पहले ट्रेलर बहुत ही दिलचस्प था, सब लोगों ने आपको वेब सीरीज़ के बारे में पूछा होगा। मैंने जो चीज़ नोटिस की वेब सीरीज़ में वो थी एक एवरीवन हैज अ सीक्रेट। अगर मैं आपको अभी सीक्रेट के बारे में पूछूंगी आपके, तो वो मुझे आप बताएंगे नहीं। तो मेरा सवाल ये होगा, आपकी ऐसी कौन सी हैबिट है जो वियर्ड है और लोगों को आप बताना चाहेंगे? वियर्ड हैबिट बताना चाहेंगे, बताना पड़ेगा फिलहाल ऑडियंसिस के लिए, हमारे ऑडियंसिस के लिए। आई थिंक अरण्यक के शूटिंग के दौरान मेरी हैबिट मैं बता सकती हूँ, तो क्योंकि वो शूटिंग के दौरान थी एंड बिकॉज इट इज़ सेंटरिंग अराउंड अरण्यक, तो जब भी हम लोग शूटिंग करते थे, चाहे ठंड होती थी या यू नो गर्मी होती थी, अगर यू नो डे था तो धूप बहुत होती थी तो कभी गर्मी हो जाती थी, तो मेरी एक हैबिट थी जो बहुत वियर्ड थी, इतने ठंड में भी मैं थर्मल नहीं पहनती थी, और फिर टेंशन हो जाती थी क्योंकि सडनली टेम्परेचर ड्रॉप होता था और फिर मैं ठंड में ऐसी बैठी रहती थी, सब बोलते थे क्यों नहीं पहनती है, मैं कहा मैं मोटी लगती हूँ मुझे नहीं पहनना। दैट आई थॉट वॉज वेरी वियर्ड, आई शुड हैव फर्स्ट टेकन केयर कि यार ठंड है पहन लो यार क्यों। सो बट विनय जी समझते ही नहीं थे वो। सबसे पहले तो मैं इस सवाल को ही खारिज करता हूँ, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि आदतें हमेशा बदलती रहती हैं, स्वभाव जो होता है वो नहीं बदलता, और मैं बदलने वाली चीजों के बारे में बात करता ही नहीं। See, that's a weird habit of his. See, that is the weirdest habit of his. हो गया तेरा question answer. अब तो विनय जी के पास जा। विनय जी का weird habit मैं बताऊँ? Okay, बताइए, please बताइए. Actors, मैं actors के मुँह से ही बुलवा रहा हूँ सारा चीज। बल्कि मुझे लगता है उन लोगों ने मेकिंग में भी डाला होगा, चाहे ठंड हो या मुंबई की गर्मी हो या धूप हो या -3 degrees हो या 30 degrees हो, विनय जी का एक लकी कोलंबिया जैकेट है वो कभी नहीं उतारते हैं। मैं और परम इनके पीछे पड़े थे, यार इतनी गर्मी है जैकेट उतारो, हम लोगों को गर्मी लग रही है पर नहीं उतारेंगे। वो जैकेट मैं इसलिए पहनता था कि अभी मैं उनको बोल दूं, क्योंकि एक्टर्स को तो हम लोग ने जैकेट में डाल दिया इंडोर जब शूट कर रहे, बेसिकली बहुत गर्मी होती है। ओके, तो मुझे लगा कि मेरा भी शायद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं भी उनके साथ जैकेट पहन के रुकूं, सो दैट यू नो अदरवाइज सी एक्टर्स को यू नो यू नीड टू बी पार्ट ऑफ देयर वर्ल्ड, यू नीड टू बी देयर, कंधे से कंधा मिला के एक रहना चाहिए बेसिकली। तो वो एक मतलब इट वाज जस्ट लाइक यू नो जस्ट टोकनिश थिंग बेसिकली। तो लेकिन ये हाँ, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। मृण्मयी जो हैं वो इनकी धर्मपत्नी है, तो इनकी एक बहुत अच्छी आदत बताता हूँ कि ये पत्नी भक्त हैं, पत्नी की बात बहुत मानते हैं। इसका कारण है कि हम लोगों ने लगातार, अब हम वहाँ पे कब तकरीबन 65-70 दिन के आसपास तो थे, एक आदमी है जिसके मुंह से मास्क मिनट भर के लिए भी नहीं उतरा,
वो ये हैं। तो मैंने एक दिन इनसे पूछा कि यहाँ पे सबके RT-PCR होते हैं, सबके होते हैं, सारे लोग क्लीन हैं, जितनी भी यूनिट आती है, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले मृणमयी ने मुझसे कहा था कि अगर तुमने मास्क मिनट भर के लिए उतारा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे मुझे वो कंडीशन भी घर से छोड़ा गया था, मेरी मॉम और मृणमयी दोनों ने बोला था कि आप जा रहे हो, हम आपके बारे में चिंतित है, तो आप ये बोलिए कि आप आपका ख्याल पूरी तरह से रखेंगे, तो कोई करने की कोशिश थी बस। तो सर आपसे ये सवाल, जैसे मैं भी आई, मैं भी थोड़ी डरी हुई थी, तो आपको ऐसे रिएक्शंस मिलते हैं क्या, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स भी वैसे रहे हैं और आपकी आपका पर्सोना भी वैसा है, तो क्या, हाउ डू यू टेक दैट थिंग? मैं उसको बहुत अच्छे से लेता हूँ, क्योंकि मैं कबीरदास जी के एक दोहे में बड़ा विश्वास करता हूँ कि डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, और डरत करत सो उबरे गाफिल खाई मार। तो अगर हम हमारी उपस्थिति में आपको डर लग रहा है लेकिन आप असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो डरते हुए अगर किसी काम को करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ मौज में नहीं रहेंगे, वो काम आप बड़ी कुशलता से संपन्न करेंगे। तो डर हमारी कुशलता को बढ़ाने का काम करता है। वैसे आप शायद इनकी स्क्रीन पर्सोना के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लवेबल कैरेक्टर्स टू हैव अराउंड इन योर पर्सनल लाइव्स। तो ऑफ स्क्रीन आई थिंक, ऑन स्क्रीन तो हम लोग का फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप था, जो अरण्यक में आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है। एंड जहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक ससुर जिस तरीके से अपनी बहू पे पूरा विश्वास रखता है, उसकी क्षमता पे, उसकी क्षमता इज़ अ राइट वर्ड राइट, उसकी उसकी झील पे, उसकी क्षमता पे एकदम, हाँ ये हम क्रॉस चेक कर लेते हैं गुरु जी से, गुरु जी हाँ बोलते हैं तो हम वहाँ बोल देते हैं। तो फिर उस तरीके की एक जो रिलेशनशिप बहुत खूबसूरती से बताई है, बहुत प्यारी रिलेशनशिप बताई है, तो उसी तरीके के ये सेट पे भी हैं। एंड एक होता है ना, एक शॉट देने के बाद कभी कभी मैं इनको देखती थी तो ये बोलते ऐसे करते थे कि अच्छा है कि डोंट 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 वरी यू नो, कभी कभी देखती थी कि नहीं अच्छा नहीं था ना, मेरे को एक और करना चाहिए था ना यहाँ कुछ, तो फिर मैं जाके फिर विनय जी को बोलती थी, विनय जी, एंड विनय जी ऑफकोर्स ऑलवेज गाइडिंग यू राइट एंड ऑलवेज ही इज़ द वन हु गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ ऑलवेज, छोड़ते नहीं है किसी को। तो इट वॉज ऑलवेज दैट सिक्योरिटी ब्लैंकेट जो ये इन सबको सबको देते हैं। इनकी आँखें इतनी खूबसूरत हैं, मैं इनको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी अभी वैसे ही। तो ये जिस तरीके से आपने कहा, आई थिंक ये जो इनका ऑन स्क्रीन पर्सोना है, क्योंकि ये रोल्स ऐसे करते हैं जहाँ यू नो विलन है, और अभी भी जो इनका डायलॉग है जो मैं बुलवाऊंगी इनसे, नेक्स्ट टाइम आप जब गेम खेलेंगी तो आप मुझे उस डायलॉग के बारे में पूछेंगी, लेकिन राइट और रॉन्ग विनय जी, तब आप मुझे अरण्यक के डायलॉग के बारे में पूछेंगी, क्योंकि आई थिंक वो अब तक तो सब पूरी दुनिया में गूंज रहा है वैसे भी उनका वो डायलॉग। एंड सो आई थिंक जिस तरीके से अरण्यक में पोर्ट्रे किया है इनको, और के कस्तूरी डोगरा का जो कैरेक्टर है, और जिस तरीके से वो इन अ मैंस वर्ल्ड अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपनी परिवार को भी संभालते हुए अपने काम को भी उसमें वो एक्सेल करना चाहती है, और जो सपोर्ट उनको अपने फादर इन लॉ से मिलता है, कि जो नॉर्मली ऐसी सोसाइटी में दिखता नहीं है यू नो, एंड जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल या यू नो, सो अगेंस्ट ऑल दोज नॉर्म्स एंड अगेंस्ट ऑल दोज ऑड्स द वे देयर रिलेशनशिप इज, आई थिंक दैट काइंड ऑफ सेट्स द मूड of the whole series also. जैसे रवीना मैम ने पॉइंट आउट किया कि वो हिंदी बोलने से पहले आपसे क्रॉस चेक करती, तो क्या आपने सेट्स पे किसी की हिंदी की क्लास ली थी? बिल्कुल भी नहीं, ये रवीना जी की विनम्रता है जो ऐसा कहती हैं। ये उन भारत की उन अभिनेत्रियों में से हैं जिनका हिंदी पर जितना अधिकार है, हिंदी भाषा पर, उतना ही अधिकार अंग्रेजी भाषा पर भी है, और उतने ही कुशलता के साथ वो मराठी भी बोलते हैं। तो वो और जो किसी भी अभिनेता के लिए आवश्यक होता है कि भाषा के साथ सहजता होना, तो ये अपने आप में, लेकिन चूंकि ये सहृदय हैं और विनम्र हैं, इसलिए अपने, मैं इनको बीच बीच में यशोदा कहता हूँ, जो अपने यश का दान दूसरे को करे उसे आप यशोदा कहते हैं। तो ये अपनी खूबसूरती का, अपनी खूबी का दान हमेशा दूसरों को देती रहती हैं कि बिकॉज ऑफ यू थैंक यू, हाँ एग्जैक्ट, बिकॉज ऑफ यू थैंक यू सो मच। तो ऐसी ऐसे चित्त वाली महिला तो यशोदा ही हो सकती है। और हिंदी इंग्लिश और मराठी नहीं, अभी हिमाचली भी तो अभी तो actually has tears in her eyes. No, because we've all had so much fun together. You know, it's so sweet hearing this. I'm home always. Thank you. Again, thank you. Okay, stop. Fun की बात हुई है, तो कोई memorable moment आप सबको याद रह गया हो? कोई ऐसा moment? एक moment मुझे याद है। बहुत सारे। इन्होंने party दी थी और मुझे नहीं बुलाया था।
डलहौजी में और क्या यार रियली मतलब सर आप आए नहीं होंगे ऐसे कैसे हो जाए कुछ भी आप हेलो और कोई ऐसे मैं वहां पहुंच नहीं पाया था वो मेरे लिए मेरी स्मृति में इसलिए मेमोरेबल है कि मैं वहां पहुंच नहीं पाया इतनी अच्छी थे आप क्योंकि मुझे मतलब मैं अच्छा याद दिलाया आपने तो हमको गुस्सा ना पड़ेगा आपके कमरे में जो गया तो कमरे से वापस निकलने में मुझे बड़ी तकलीफ होती है रिलैक्स कर गए थे और ठंड में इन्होंने अपने इंतजाम कर लिए हम लोग ने एक छोटा सा ऐसे ही बिकॉज वी हैड वर्क सो मेनी डेज टुगेदर 10-15 दिन हो गए थे तो हम लोग एक छोटा सा ब्रेक हम लोग को मिला था एक दिन का ब्रेक यू नो टर्न अराउंड का ब्रेक होता था तो उस दिन रात को हम लोग ने डिसाइड किया इतनी ठंड थी यार एक यू नो बॉन फायर करके थोड़ा बारबेक्यू वगैरह करते हैं तो फिर परम भी अपना गिटार ले आया था और हम लोग सब आग लगा के और जो हु वॉज द बेले ऑफ द बॉल प्लीज टेल मी विनय जी ही हैज रॉक्ड द फ्लो मैंने विनय जी को इतना डांस करते हुए कभी नहीं देखा एंड वी हैड अ गुड टाइम बिकॉज परम वॉज सिंगिंग एंड यू नो हम लोग ने म्यूजिक चलाया हुआ था और ऐसे ही बैठ के गप्पे मार रहे थे रोहन वॉज देयर विनय जी माई सेल्फ परम एंड अनदर कपल ऑफ आर क्रू मेम्बर्स सौरभ दा इट वॉज फन कैमरा मैन सौरभ गोस्वामी जी यहाँ पर तो किसी की खोज हो रही है जो जंगल में खो गए हैं बट अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आप जंगल में खो जाओ आपका एस्केप प्लान क्या होगा हमारा क्या प्लान होगा हमें एस्केप किससे करना है जंगल में जंगली जानवरों का भय होता है तो जो करेगा वो हम थोड़ी करेंगे जो करेगा वो शेर करेगा तो वही प्लान बना रहा होगा हमारे बारे में कि इनका क्या करना है और अगर हम बच गए उस प्लान से तो हम बाहर निकल आएंगे और उनसे ज्यादा नुकसानदायक तो इंसान है मैं समझती हूँ बिल्कुल इंसान से अगर हम सिटी में बचते निकले तो फिर जंगल क्या बात है हम अरण्यक हैं तो अगर जंगल में जाएंगे तो बाहर क्यों आएंगे एस्केप क्यों करेंगे वहीं पे अपने ठिकाने पे वापस पहुंच गए हम बस वहीं रह जाएंगे और क्या इसी के साथ मेरा एक छोटा सेगमेंट जिसका नाम है टेस्ट योर बॉन्ड यहाँ मैं रवीना मैम को आशुतोष सर के कुछ डायलॉग्स बोलूँगी और उनको गेस करना है कौन सी मूवी का है एंड वाइस वर्सा हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं हाँ आप हिंट भी दे सकते हो आपको देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पर तुम डरो मैं हूँ तू डर मैं हूँ ओके तो पहला मैं इंसान नहीं हूँ ये जीवन मरण तुझ जैसे तुच्छ प्राणी के जिंदगी का हिस्सा है मुझे मालूम है अभी आपने मेरे को बोला था कुछ हमारे जीवन में सब चीज सांस से शुरू होती है सांस से सांस तक का मामला है I know अभी इसके पहले वाले उसमें हमने बैठ के सब I'm so bad at names थोड़ा और हिंट दे दो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं संघर्ष ही तो करते हैं करेक्ट वो ही मैं बोलने वाली थी संघर्ष was the one संघर्ष अच्छा तो पूरा बता दिया आज तो सर ने नहीं जीवन भी हो सकता था ओके आंधी जब चलती है ना तो हाथ छोड़ने का नहीं हाथ थामने का वक्त होता है इनका ही है मुझे लगा ये कहीं मेरा डायलॉग तो नहीं मुझे खुद मेरे डायलॉग्स याद नहीं जब चोट लग जाए को जख्म नहीं मुझे ये मालूम था ये फिल्म इट वॉज कमिंग टू मी किसी इंसान का कद जानना हो तो पता लगाओ कि उसके दुश्मन कौन है जितना बड़ा दुश्मन उतना बड़ा वो अच्छा एक मेरा एक इनकार दिस नॉट फेयर अभी मेरा एक कोई बोलो हाँ, मुझे खुद याद नहीं होगा तो मैं इनको क्या प्रॉम्प्ट करूंगी इसका आंसर दोगे आप हाँ, पता नहीं अच्छा नहीं ये बाद में आओ ना ठीक है चलिए सर आपके लिए मेरी मोहब्बत एक चुटकी भर सिंदूर की मोहताज नहीं ये मेरी फिल्म का डायलॉग है दीपिका के पहले पहले मैंने बोला था ये ये मुझे तो याद ही नहीं है यार ये कौन सी पिक्चर में बोला मोहब्बत की मोहताज यार मुझे खुद मालूम नहीं है आई स्वेयर इसमें गोविंदा जी थे नहीं अजय देवगन मैं हिंट दे दूं हाँ बोल दो बोल दूं हाँ इम्तिहान अच्छा ठीक है ओके बट सीरियसली आई डिडंट नो कि दीपिका के पहले मैं एक चुटकी भर सिंदूर बोल चुकी थी यार मुझे तो इस पे कॉपीराइट मारना चाहिए था गलती हो गई सर रवीना मैम का डायलॉग
वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। ये मैंने कभी लाइफ में सुने ही नहीं है डायलॉग्स। अब बताइए जब उन्होंने खुद नहीं सुने। मैं बोल रही हूँ मुझे खुद, मुझे ना इन लोग ऑलवेज बोलते थे कि कभी हम लोग शोज वोज परफॉर्म करने जाते थे कि मैडम एक अपना डायलॉग बोलिए, एक डायलॉग बोलिए। अभी हीरोज का क्या है, हीरोज ऑलवेज खड़े होकर अपना करके अपना डायलॉग बोल देते हैं। मैं बोलती थी मुझे एक ही डायलॉग याद है, मैं खड़ी होती थी बचाओ बचाओ मुझे भगवान के वास्ते बचाओ। आप बताइए मोहरा क्या था, क्या था ये वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। Yeah, I'll have to watch all my movies again. No, but I'll tell you why maybe this is because in those days, 90s, the way I was working, I was doing 30 films at one time, 35 films at one time. I used to have 9, 10, 10 releases in one year. तो हम डबिंग करते थे, मतलब एक दिन किसी की शूटिंग की, नेक्स्ट डे किसी और की, नेक्स्ट डे किसी और की। मैंने सिर्फ डबिंग में देखी हैं अपनी पिक्चरें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अंदाज अपना अपना, अभी जब बच्चे छोटे थे तब जाके मैंने फुल फिल्म देखी है सीरियसली। एंड लोग मुझे आके डायलॉग्स बोलते हैं उसके, एंड आई से हाँ यार ये था, यू नो। एक और, गहरे से गहरा जख्म भी इतना दर्द नहीं देता है जितना आज तुमने मुझे दिया है। लज्जा, लज्जा में मैंने दी, अक्षय कुमार सर ने ऐसी बहुत सारी फिल्में की हैं। सौगन नहीं, खिलाड़ी जी, यहाँ पर एक खिलाड़ी जी जी। लास्ट यार हो गया, मैं एपिक फेल हूँ। इनका एक, आपको इनके आ रहे थे, ओके, आपने वो वाले का नहीं बोला। किसी इंसान का कद जानना हो तो पता लगाओ कि उसके दुश्मन कौन है। आप बता दीजिए आंसर, आप आंसर ही बता दीजिए मुझे। नहीं नहीं, आई डिडंट हियर ओनली, आई वाज लाफिंग सो लाउडली, आई डिडंट हियर। से से इट अगेन। किसी इंसान का, सोच के जवाब। अब मैं एकदम पूरी फिल्म चलाती हूँ अपने आंखों के सामने। बोलो, हाँ बोलो। किसी इंसान का कद जानना हो तो पता लगाओ कि उसके दुश्मन कौन है, जितना बड़ा दुश्मन उतना बड़ा वो। और अपन वाओ, स्पॉन्टेनिटी। सो आई वन दिस गेम ना एक्चुअली बाय फ्लूक, बिकॉज इवन आई कुडंट गिव हिम क्लूज फॉर माय ओन मूवीज। सो इससे ये पता चलता है कि आपको आपकी मूवीज वापस देखनी पड़ेंगी सीरियसली। नहीं, इससे ये पता चलता है कि इन्होंने अभी तक जो फिल्में की थी उसमें इनके पास ऐसे याद रखने वाली लाइनें नहीं थी। लेकिन जब आप आरण्यक देखेंगे तो आपको कस्तूरी डोगरा के मुंह से निकला हुआ एक एक वाक्य आपके जहन में बस जाएगा। जी सर, आपने बात छेड़ ही दी है, तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ एक एक डायलॉग आप आरण्य का ही बोल दें। पहले इनसे शुरुआत। कल चंद्र ग्रहण की रात थी, हो आएगा कौन देने। वो कुर्सी के नीचे बैठी हुई है, ऊपर थोड़ी बैठी है। मेरा तो क्या वो भी बहुत अच्छा नहीं हुआ। अभी क्या था, पूरी जिंदगी वो वाला बोल दो ना, पूरी जिंदगी इंतजार किया एक बड़े केस का, और वो बड़ा केस आता भी कब है, जब मैं कुर्सी से हट जाती हूँ, लगाऊं एक अभी कान के नीचे, हो गया तेरा टाइम, पैकअप कर निकल कैमरा लेके। मजाक कर रही हूँ, ये था ही नहीं डायलॉग। जी वो मुझे पता है, मैंने देखा है ट्रेलर। ओके, लास्ट ये कि फैंस के लिए कोई मैसेज है, आप इतने टाइम बाद आ रहे हैं वापस, और सर आपको, मैं गई कहाँ थी, लेकिन आपने बोला 30 साल का काम भी कर लिया, ये वो, आप वापस आ रही है, कहाँ से आ रही हूँ मैं, वापस आ रही है। इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था सब लोगों ने आपको। कितने साल का ब्रेक ले लिया मैंने, 3 से 4। 2017 वाज योर लास्ट प्रोजेक्ट। आमिर खान का लास्ट प्रोजेक्ट कब था सीरियसली? 2 या 3 साल पहले। तो उनका भी कमबैक हो रहा है ना, अभी कौन सी पिक्चर है उनकी, लाल सिंह चड्ढा, उनको भी आप यही बोलेंगी?
इसीलिए मैम मैंने वो क्वेश्चन रखा ही नहीं था, मुझे पता था सब पूछने वाले हैं। सी यू शुड बी सपोर्टिंग वुमेन्स इक्वालिटी, कम ऑन, सो नेवर आस्क one of our own, yes, that when you're coming back, when heroes can take a break for 2, 2, 3 years and come back, and you'll never say that you made a comeback, then why do you rightly do that to pointed us? Rightly okay. pointed. Thank you. Thank you so much. And thank you. Thank you. आपने कुछ दर्शकों से कुछ कहना चाहिए? Fans, get your message. बिल्कुल, आइए हमारे साथ इस जर्नी पे और एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसे हम सिरोना कहते हैं, आइए 10 दिसंबर को वहीं मिलते हैं सिरोना में। अरण्यक आप हैं, अरण्यक हम भी हैं। मैं एक ओनली ऑन Netflix मैं रवीना जी की तरफ से ही अपील कर रहा हूँ इस बात की कि आप दर्शकों के कारण ही, जब आप घर से चलते हैं तो हमारा घर चलता है, जब आप हमें सराहते हैं तो हम संसार के लिए सराहनीय हो जाते हैं। देखा जाए तो आप हमारे निर्माता हैं और हम आपकी निर्मिति है, तो आपकी निर्मिति अपने निर्माताओं से, आपकी रचनाएं अपने रचनाकारों से ये निवेदन करते हैं कि जैसे आपने वर्षों से हमारे ऊपर अपना स्नेह आशीर्वाद कृपा बना ही रखी है, वैसे ही जब तक हमारा जीवन है, हम इस व्यापार में हैं, हम इस प्रोफेशन में हैं, तब तक आपकी कृपा स्नेह आशीर्वाद हम पर बना रहे, क्योंकि अभिनेता परिस्थिति बदले या ना बदले लेकिन मनस्थिति बदलने में ज़रूर सक्षम होता है, और कहा ही जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। Thank you so much, and it was lovely interacting with you all. Thank you. 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 ABP News, आपको रखे आगे।